कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश भर के पटवारी संघ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कैबिनेट मंत्री को माफी मांगने की बात कही। इधर तीन दिन बीतने के बाद मंत्री जी ने अपना कोई वक्तव्य पेश नहीं किया। उधर गांधी जयंती के अवसर पर इंदौर पधारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फिर पटवारियों को खुले मंच से लाखों रुपए की रिश्वत में लिप्त बताया, जिस पर भड़का खरगोन पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर चुका है। इस दौरान पटवारियों ने अपना प्रभार तहसील कार्यालय जमा कराते हुए हड़ताल पर जाने की बात पर ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जी हां, आज तहसील खरगोन के समस्त पटवारियों के द्वारा अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूर्व नियोजित घोषणा के अनुसार बस्ते रख दिए गए हैं, और बस्ते रखने का मुख्य कारण उनके ज्ञापन में बताया है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू जी पटवारी द्वारा उनको 100% रिश्वतखोर बताने जाने के कारण बस्ते रखे गए हैं और ये अनिश्चितकालीन के लिए रखे। कितने पटवारी हड़ताल पर हैं सर? तहसील कार्यालय खरगोन में टोटल 42 पटवारी अभी पदस्थ हैं, जिसमें से 35 पटवारी के द्वारा हल्के रखे गए। इस तरीके से तहसील में काम भी प्रभावित होगा, इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? काम प्रभावित होगा, और वर्तमान में जो RBCHR के प्रकरण और सर्वे का कार्य चल रहा है वो निश्चित रूप से प्रभावित होने का पूरी संभावना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।